कि एक्सेलरेशन में चीता फरारी को भी मात दे सकते हैं। पर चीताओं के लिए इतना तेज भागना क्यों आवश्यक है? चीताओं का एक प्राकृतिक हैबिटेट अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान है, जहां पर शेर और लकड़बग्घे भी पाए जाते हैं। ये दोनों जानवर शिकार के लिए चीता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी कभी ये जानवर भोजन के लिए चीता को मारने का प्रयास भी करते हैं। अपना बचाव करने के लिए चीता को अपने शिकार और शिकारी दोनों से तेज होना होगा। लचीली स्पाइन और लंबे पैर चीता को तेज दौड़ने के लिए एक परफेक्ट आकृति और बनावट प्रदान करते हैं। एक ही प्रजाति के अंदर कुछ चीता दूसरे चीताओं से तेज दौड़ते हैं। इन दोनों चीताओं में कौन सा चीता भोजन की रेस में जीतेगा? प्रकृति में सब जीव सर्वाइवल के लिए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक ही स्पीसी के अंदर प्रतिस्पर्धा से ही नए जीव विकसित होते हैं। कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रपोज की थी। डार्विन ने ये देखा कि एक ही स्पीसी में जीवों में बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। डार्विन ने प्रपोज किया कि जिन जीवों में ऐसे गुण हैं जो उनके पर्यावरण के अनुकूल हैं, ऐसे जीवों की सर्वाइव करने की, प्रजनन करने की और अपने गुणों को अगली जनरेशन में पास करने की संभावना अधिक है। दूसरी तरफ जो जीव अपने वातावरण के साथ ठीक प्रकार से समायोजित नहीं है, वो प्रजनन और सर्वाइव नहीं कर पाते। ये कम समायोजित गुण धीरे धीरे किसी भी आबादी में से गायब हो जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से धीरे धीरे स्पीसी में चेंज आता है और नई स्पीसीज विकसित होती हैं। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई तो डार्विन का काफी विरोध हुआ, लेकिन आज इस थ्योरी को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। 20वीं शताब्दी में ये डिस्कवरी हुई कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। बीमारियों के इलाज के विषय में नेचुरल सिलेक्शन मनुष्यों पर सीधा प्रभाव डालती है। 1928 में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। इसने बीमारियों के इलाज में काफी मदद की और जल्दी ही बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा। वैज्ञानिकों ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सिलेक्शन ऑफ फेवरेबल जीन्स से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ सालों में पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन पर पेनिसिलिन का प्रभाव खत्म हो गया था। इन बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। इन्हें फिल्टर बैक्टीरिया कहा गया और इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव ना होता था। अंततः 20वीं शताब्दी में ऐसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन विकसित होने लगी जिन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव ही ना पड़ता था। आजकल डॉक्टर एंटीबायोटिक का प्रयोग कम करते हैं और इन्फेक्शंस का इलाज करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि वेरिएशंस की वजह से एक ही स्पीसीज के जीवों में विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं की वजह से कुछ जीवों के सर्वाइवल की संभावना अधिक होती है। ये जीव अपने गुणों को अपनी अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। हमने ये भी सीखा कि कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और इससे डॉक्टरों को इलाज करने में काफी कठिनाई होती है। ये अडैप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है।